हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि अभी हम लोग कंटिन्यू वीक के ऊपर वीडियोस डालेंगे, रिएक्शन देंगे वीडियो। बर्थडे वीक चल रहा है, यस, तो इसलिए बर्थडे की मतलब वी का बर्थडे वीक है, तो उस पर वीडियो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम उस पर वीडियो बनाने वाले हैं। ये एक्चुअली हम लोगों की पर्सनल डिमांड नहीं है, हम लोगों की पर्सनल चीज़ नहीं है। हम लोगों ने एग्जैक्टली हम लोग मेरे सब्सक्राइबर्स और उन लोग कमेंट सेक्शन में पर्सनल डीएम में सब लोग बोल रहे थे कि प्लीज़ अभी आप कंटिन्यूस वीक के ऊपर वीडियोस बनाओ, प्लीज़ 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 ऐसा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग तो आपकी इच्छा पूरी करते हैं, आपका हुक्म सर आंखों पे। और क्या यस गाइस, और आज की जो वीडियो है ये वीके की स्ट्रगल लाइफ में, मतलब ये कहाँ इसका जन्म हुआ और ये कहाँ तक कैसे बीटीएस बनाई, मतलब वी के बारे में सारी बातें, लेकिन वो है हिंदी में। हाँ यस, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब हम लोग सारे बीटीएस मेंबर्स की मतलब बायोग्राफी सब हिंदी में देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है वी, और हमने भी नहीं, कुछ जो नए जो आर्मी फैन थे ना, वो कहते थे हमसे, पूछते थे, कई लोग मेरे से पूछते कि यार तुम एक बार इनके बारे में बताओ, हमें सबके बारे में जानना है, यार एक बार हिंदी में वीडियो बनाओ इनकी। तो हमने सोचा फिर अभी तो वी पे बनाते हैं, क्योंकि अभी वी का वीक चल रहा है, बर्थडे वीक चल रहा है, धीरे धीरे हम जो भी बीटीएस के मेंबर है सबके ऊपर एक बार वीडियो बनाएंगे। सो अभी आप लोग कर दो वीडियो को लाइक, और कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर जल्दी से पहले बर्थडे विश दे दो, बर्थडे विशेस दे दो, सॉरी वी को। सो लेट्स वॉच इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जिसे हम उसकी हस्की वॉइस, स्वीट पर्सनैलिटी और ग्रेट डांसिंग के लिए जानते हैं। तो चलिए exactly. बात करते हैं वी के बारे में, और जानते हैं वी के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। लेकिन उससे पहले, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया स्टोर। सो अगर आप लोगों को बीटीएस हुडी या फिर बीटीएस मग या फिर उसी आइटम्स बाय करने हैं, तो आप इंडिया स्टोर से कर सकते हैं। ये मुझे चाहिए गाइस। अगर आप मेरा प्रोमो कोड RK100 यूज करते हैं, तो आपको मिलेगा 100 rupees ऑफ। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कर सकते हैं। और इसी के अलावा, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, तो मैंने इससे पहले भी बीटीएस पे कई वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उन्हें सारे वीडियोस हम लोग देखने वाले हैं। हाँ, ये सब कवर करने वाले हैं। लिंक दे दिए नीचे कमेंट्स और एंड स्क्रीन में। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। यस, 41 unknown facts about BTS members. Number 1, V का जन्म 30 दिसंबर 1995 को साउथ कोरिया में हुआ था, और बाद में उनकी फैमिली जियोचेंग काउंटी साउथ जियोनसेंग प्रोविंस में शिफ्ट हो गई थी। ये किसान का लड़का था, मुझे इतना पता है। V की फैमिली में V के अलावा उसके मॉम डैड, एक छोटी बहन और एक छोटा भाई है। नंबर 3, वी का स्टेज नेम वी होने के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वी के डेब्यू से पहले ये बात मुझे जानना है। कुछ और नेम भी सोचे गए थे, जहां एक नेम था लेक्स और सेकंड नेम था सिक्स। लेकिन बाद में स्टेज नेम वी को इसलिए फाइनलाइज किया गया क्योंकि इसके पीछे का मीनिंग था विक्ट्री, इसलिए ही वी का स्टेज नेम वी डिसाइड किया गया। okay. जिसका मतलब था विक्ट्री फॉर द ग्रुप। नंबर 4, मिरेकल इन सेल नंबर 7, जो कि एक कोरियन मूवी है, वो वी की ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है, जहां वी ने बताया कि ये मूवी हमेशा उसकी आंखों में आंसू ला देती है। नंबर 5, वी को फेमस इटालियन लग्जरी ब्रांड गुची काफी पसंद है, और इसलिए ही बहुत बार वी हमें यही ब्रांड पहने दिखाई देता है। Exactly. नंबर 6, हाँ, बहुत बार दिखाई। गर्ल ग्रुप गर्ल्स जनरेशन का काफी बड़ा फैन है। नंबर 7, वी ओरिजिनली लेफ्ट हैंडेड है, लेकिन वो चाहे तो अपने राइट हैंड से भी लिख लेता है। वाओ, हाई लिख लेता है। वी को लास्ट वीडियो में इतना टैलेंट देखा, एक और देख लिया। हैट्स और क्लोथ्स कलेक्ट करना काफी पसंद है। नंबर 9, 2019 में वी को कोरियन एलिमेंट्री स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में भी फीचर किया गया था। इस सेक्शन में अलग अलग तरह के करियर्स को डिस्क्राइब किया जा रहा था। नंबर 10, 2017 में पिक किया गया था, जहां इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर एक्टर जैसोन मोमोआ और थर्ड नंबर पर एक्टर आर्मी हैमर को पिक किया गया था। और वहीं 2020 में भी वी को मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ 2020 की लिस्ट में शामिल किया गया था। इस लिस्ट में वी के अलावा जैन मलिक, रॉबर्ट पैटिनसन, ऋतिक रोशन और टॉम क्रूज भी शामिल थे। और इस लिस्ट में भी वी ने टॉप करते हुए मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ 2020 का खिताब जीता था।
मैंने मेरे बारे में मेंशन कर रखा है ना, एक फैन ऑफ बीटीएस एंड ऋतिक रोशन। वी का काफी अच्छा फ्रेंड है और एल्गर्ट ने एक बार अपनी ट्विटर प्रोफाइल को चेंज करके वी की पिक्चर को भी अपनी प्रोफाइल पिक में लगाया था। ओ भाई। नंबर 12, वी को कॉमिक्स पढ़ना और एनिमेटेड फिल्म्स देखना काफी पसंद है, जहां वी ने बताया कि उसने फेमस जैपनीज मांगा सीरीज वन पीस का हर एक एपिसोड देखा है। नंबर 13, अमेरिकन म्यूजिशियंस एरिक बेनेट और रूबिन स्टडर्ड ऐसे आर्टिस्ट थे जिनसे वी काफी इंस्पायर हुआ था और वी ने इनके स्टाइल से काफी कुछ सीखा था। नंबर 14, वी को पेंटिंग्स का भी काफी शौक है और वी को फेमस विंसेंट वैन हो की पेंटिंग्स भी काफी पसंद आती हैं। नंबर 15, वी को उसके फ्रेंड्स टेटे निकनेम से भी बुलाते हैं, जो कि उसके रियल नेम से ही डिराइव फनी वाला है। इसके अलावा उसके फ्रेंड उसे सीजीवी नाम से भी बुलाते हैं। सीजीवी अभी नहीं, सीजीवी था वो अलग था, जीवी सीधा कंप्यूटर जनरेटेड यही था। यस एग्जैक्टली सीजीवी कंप्यूटर जनरेटेड भी। लास्ट वीडियो में कमेंट्स में सीजीवी लिख दो गाइस, सीजीवी ओपी। वी के बैंडमेट्स बताते हैं कि ग्रुप में सबसे ज्यादा आउटगोइंग पर्सनैलिटी वी की है। नंबर 17, वी को नेल्स बाइट करने की काफी ज्यादा आदत है। इसकी हॉबीज भी है, मैंने देखा है। खुले रखने की और किसी भी क्यूट चीज को टच करके देखने की भी आदत है। नंबर 18, खुद इतना क्यूट है। बास्केटबॉल खेलना और बाइसाइकिल चलाना और ये सब लोगों की इच्छा है, एक बार स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में से एक है। नंबर 19, दोनों एक्टिविटीज बहुत अच्छे से। स्टूडेंट था तब वी को सब्जेक्ट म्यूजिक और पीई काफी पसंद था, लेकिन वी को मैथ शुरुआत से ही नहीं पसंद था। मेरी तरह वी के पास एक पेट डॉग है जिसका नेम फूनशीम है। हाँ, वी के पेरेंट्स के पास रहता है और वहीं वी के पास एक ये वाला तो स्टोरीज में देखते रहते हैं सब लोग, इंस्टाग्राम की स्टोरी में मेंशन करता है। ये वाला तो देखा है सबने। नंबर 21, वी बताता है कि उसके लॉन्ग थिन और ब्यूटीफुल हैंड्स उसकी बॉडी का वो पार्ट है जो कि वी को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाते हैं। नंबर 22, वी को फोटोग्राफी में भी काफी इंटरेस्ट है और वी सिडनी बेस्ड एक मिलीमिलिस फोटोग्राफर के काम से काफी इंस्पायर हुआ है और वी उनके काम की बहुत रिस्पेक्ट करता है और वी अपने फोटोग्राफिक वर्क्स में भी हैशटैग वी और उनके नाम को साथ में इंक्लूड करता है, जो कि वी का तरीका है उसके इंस्पिरेशन को एक ट्रिब्यूट देने का। वही ना। नंबर 23, वी ने ब्रिटिश अमेरिकन एक्ट्रेस लिली कॉलिंस और कैनेडियन एक्ट्रेस रेचल मैकएडम्स को अपनी हॉलीवुड क्रशेस के रूप में पिक किया है और वी ने बताया कि उसके लिए आइडियल गर्ल वही होगी जो थॉटफुल हो, जो वी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हो और पैसे को वाइजली खर्च करती हो, और उसने बताया कि उसे लॉन्ग हेयर्ड गर्ल काफी पसंद है। अब तो सारी गर्ल्स फ्राई नूडल्स पोटैटो पैनकेक्स और एनी टाइप ऑफ मीट इंक्लूड है। नंबर 25, वी को वैसे तो काफी लैंग्वेजेस की समझ है, लेकिन वी जापानी सबसे अच्छे तरीके से बोल लेता है और वी जापानी में काफी फ्लुएंट है। लास्ट टाइम तो बोला था ना कि आई वांट टू लर्न जापानी, सब कुछ बोला था। होल या बियर पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ उसे कोक पीना काफी पसंद है, बिल्कुल मेरी तरह। नंबर 27, क्लासिक और जैज म्यूजिक काफी पसंद आता है। नंबर 28, वी के फेवरेट सॉन्ग्स में हेलो इन देयर, ब्लू रूम और एवरी काइंड ऑफ वे शामिल है, जो कि वी के ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग्स की लिस्ट में हमेशा रहते हैं। नंबर 29, मैंने सुना वी का ब्लड टाइप ए बी है। नंबर 30, वी का फेवरेट कलर ग्रे है। मेरा फेवरेट कलर ग्रे है। नंबर 31, वी के लाइफ में काफी रोल मॉडल्स रहे हैं, जिसमें से नंबर 1 पर हमेशा है वी के डैड, जहां वी उन्हें डिस्क्राइब करता है बहुत बड़ी बात है, काफी अच्छे लिसनर है जो कि अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरीके से केयर करते हैं, और वी का गोल और ड्रीम यही है कि वी अपने डैड के जैसा ही बने। नंबर 32, वी ऑडिशंस को पास करने के बाद बिग हिट एंटरटेनमेंट में एज अ ट्रेनी ज्वाइन हुआ था, लेकिन बिग हिट एंटरटेनमेंट ने वी को डेब्यू से पहले अंडर द रैप ही रखा था और वी ग्रुप का लास्ट मेंबर बना था, जिसे पब्लिक के सामने सबसे लास्ट में एज अ बीटीएस मेंबर रिवील किया गया था। Yes, नंबर 33, वी ने बताया कि अगर वो बीटीएस का एक पार्ट ना होता तो शायद वो एक फार्मर ही बन जाता, क्योंकि उसने शुरुआत से ही अपने आसपास फार्मिंग को देखा था और क्योंकि उसके डैड भी फार्मर थे और हमेशा उसके रोल मॉडल भी थे, इसलिए वी ने बताया कि अगर वी फार्मर होता तो भी वो काफी खुश होता। नंबर 34, वी जब से मिडिल स्कूल में था तब से ही उसने
सैक्सोफोन बजाना शुरू कर दिया था और लगभग 3 साल तक उसने सैक्सोफोन बजाया, जिसमें उसने काफी नई चीजें भी सीखी थी और उसने सोचा था कि मुझे पहले ये वाली वीडियो देखनी थी यार, फिर बाद में उसको देखा। बाद में उसे रियलाइज हुआ कि उसे सिंगिंग ज्यादा पसंद है और फिर उसका ध्यान सिंगिंग की तरफ जाना शुरू हुआ। नंबर 35 पहले वो देखते फिर पता चलता है। उसने अपना एक्टिंग डेब्यू 2016 में साउथ कोरियन टेलीविजन सीरीज इसके लिए एक्टिंग एडवाइस साउथ कोरियन एक्ट्रेस हाजी बोन से ली थी, जो कि अभी की काफी अच्छी फ्रेंड है। नंबर 36 जिमिन ने एक बार ग्रुप बीटीएस के डेब्यू से कुछ दिन पहले वी की एक पिक शेयर की थी, लेकिन फैंस को लगा था कि जिमिन ने जंगकुक की पिक शेयर की है और पिक्चर में जंगकुक है। नंबर 37 वी को एम्यूजमेंट पार्क्स में जाना काफी पसंद है और वी ने बताया कि उसके लिए आइडियल डेट होगी हैंड्स होल्ड करके एम्यूजमेंट पार्क जाना। नंबर 38 ग्रुप बीटीएस में वी सबसे ज्यादा क्लोज जीन और जंगकुक के साथ है। हाँ, साथ वी अपनी सारी बातें और प्रॉब्लम शेयर कर पाता है। इसके अलावा वी बताता है कि वो जिमिन के साथ भी विदाउट एनी हेजिटेशन अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाता है, क्योंकि दोनों की थिंकिंग एक जैसी ही है और ऑलमोस्ट दोनों की एज भी सेम ही है। नंबर 39 बीटीएस ग्रुप के हर मेंबर ने ये कंफर्म किया कि वी पूरे ग्रुप का एक ऐसा मेंबर है जिसकी सबसे ज्यादा फैन गर्ल्स हैं। ये बात तो नंबर 40 यार मैंने भी कुछ को तो नोट किया ही था। शूज पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, उसको कभी कभी शूज पहनने पड़ते हैं, लेकिन जब उसके पास चॉइस होती है तो वो शूज नहीं बल्कि कुछ कंफर्टेबल पहनना ज्यादा पसंद। एग्जैक्टली वी ने बताया कि जब कभी वो फ्री स्टाइल करता है तो उसका फेवरेट काम है जिमिन को डिस करना और ऐसा करके उसे काफी मजा आता है, जो कि वो मजाक में ही करता है। कितना अच्छा लगा है ना, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अरे बहुत अच्छी लगी भाई, कुछ अननोन फैक्ट्स जानने को मिले हों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दो, आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आपको ऐसी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन पर टैप कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय बाय। Wow, yes. Exactly, वो जो वीडियो वी का शूज वाला है ना, वो सीरियसली अपन लोगों ने देखा होगा, बीटीएस के सारे मेंबर्स को भी आप लोगों ने देखा होगा, वो बहुत बार अपने शूज में देखे होंगे, लेकिन वी को हमेशा स्लीपर्स में देखने को मैंने तो नोट किया है। गाइस आपने भी अगर नोट किया तो कमेंट करके बताना। मैंने देखा है वी अधिक से ज्यादा मतलब वही पहनता है जिसमें बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल फील होता है। और यार तुमने एक चीज नोटिस की, तुमने सुना यार ये मतलब एक फार्मर का बेटा स्ट्रगल देख रहे हो यार तुम, कहां से कहां तक पहुंचने का। एक पहले इसको पीछे रखा गया मतलब इसका मैंने देखा था, तो वो ये एग्जैक्टली मेरे को मैंने कहीं पे वीडियो भी देखा था, मुझे मेरे किसी आर्मी फ्रेंड ने बताया था कि ये ऑडिशन देने नहीं आया था, इसका फ्रेंड को ऑडिशन दिलवाने लेके आया था बीटीएस का। अच्छा हाँ, तो उसका केपॉप का तो हुआ ऐसा था कि ये मैंने भी देखा था और क्या पता नहीं उसने बात झूठ बोली या गलत है। अगर मैं सच हूँ गाइस तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और अगर इसमें मतलब थोड़ी वो भी मतलब थोड़ा बहुत गलत लगता है तो जो भी मतलब सच लगे बताना ना। तो उसमें ऐसा बताया था उसने कि दो फ्रेंड मतलब एक फ्रेंड को लाने गया था, तो उसने दिया था, तो उसके फ्रेंड ने मतलब किसी ने इसको बोला कि तुम भी ट्राई कर लो, या उसके फ्रेंड ने बोला था, किसी ने बोला था, तो इसने भी ट्राई किया था, तो वो भी सिलेक्ट हो गया था एंड ये भी सिलेक्ट हो गया था। देन हुआ ऐसा था एग्जिट कि अब उनके पास में से दो ही ऑप्शन थे, दोनों में से एक ही ऑप्शन था, दोनों में से एक को चूज करना था। हाँ, तो उन्होंने वी को चूज कर लिया था और उसका फ्रेंड इससे आज भी जलता है और आज भी इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती। अब ये बात सच है या झूठ आई नो, नहीं आ रही तो कितना सच है कितना नहीं, पर यस सुना। जबकि वी का ऐसा वहाँ पे कोई सेंस मतलब नहीं था कि भाई मैं जाऊँ, क्योंकि वो उसके फ्रेंड्स को लेके आया था, फ्रेंड्स को लेके गया था यार, बहुत डाउन टू अर्थ थे, बहुत डाउन टू अर्थ यस, उसको मतलब उसके माइंड में था नहीं ना, क्योंकि वो बिल्कुल फार्मर का लड़का था, उसको बोला ना अभी तुमने नोटिस किया तो उसने बोला कि अगर मैं फार्मर भी होता तो भी मैं खुश होता। हाँ, तो उसके माइंड में सब कुछ था नहीं, लेकिन वहाँ पे किसी ने उसको बोला कि तुम ट्राई करो, तुम अच्छे दिखते हो, गुड लुकिंग हो, है ना, तो उसने ट्राई किया एंड देन हाँ वो हुआ वैसे सिलेक्ट। So guys, comment your favorite part as usual. And thanks for watching. मिलेंगे next video में VK. Next video में VK. VK का ही video का definitely. So guys, तब तक के लिए bye bye. We purple you.